गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 वर्ण विचार, उसका भाग 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट नंबर 1 या भाग नंबर 1 के बारे में आपको समझा दिया है, उसके बाद में आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। अब देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि स्वर, स्वर की मैंने परिभाषा भी लिखा दी, जो बिना किसी सहायता से बोला जाता है, जो बोलते समय संतत रूप से उच्चारण करते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है, और इसकी मैंने कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखवा दिया। अब आज इसमें लिखा है स्वर की संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या कितनी संख्या होती है, यहाँ स्वर भी कर सकते हैं, स्वर भी दे सकते हैं, ध्यान रखना, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है, कितनी होती है 11। तो ये स्वर तो है नहीं, तो दो बहुवचन है, तो स्वर की संख्या कितनी होती है 11 होती है, कितनी होती है 11, या ऐसे भी लिख सकते हैं 11 होती है। कौन कौन सी, ए आ छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ ऋषि ए आई ओ औ, ये कितनी संख्या होती है 11, स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। अब व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33, इसको हिंदी में लिखा हुआ है ये गिनती शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, जैसे हिंदी है तो शब्दों में लिखना भी आना चाहिए, दोनों में आना चाहिए आपको लिखना, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होती है, कौन कौन सी, जैसे आपको मैंने के वर्ग में कौन कौन से होते हैं, के खे गे घे न चे वर्ग, टे ट प ओ य र ल श श श, ये सभी कितने होते हैं 33 होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होती है। और स्वर कितने होते हैं, अब देखो एक स्वर कितने होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं 33, वर्णमाला कितनी होती है, वर्णमाला तो कितनी होती 44, दोनों को काट देने के बाद में कितनी ऐसी संख्या 44, तो वर्णमाला कितनी होती है 44। अगर पूछे वर्णमाला कितनी 44, कुल वर्णमाला, अगर क्या पूछे कुल वर्णमाला तो बहुमत होती है, उसमें और भी अस्य सत्य जैसे यानी अणे लय और अंक सभी को काउंट करेंगे। अगर पूछे स्वर कितने होते तो 11, व्यंजन कितने होते 33 होते, वर्णमाला कितनी होती 44 होती, कुल वर्णमाला कितनी होती 52 होती। इसमें कोई भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ये याद होना चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज है आपको। अब उसके बाद में ए योगी वह, इसको बोलते हैं आपके समय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आर्टन सम, ए योग वा जैसे अनुस्वार, अनुस्वार किसको बोलते हैं अनुस्वार, जैसे ये अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार कैसे लगता है एक बिंदी के समान, कैसे लगता है एक बिंदी समान, अनुनासिक या चंद्र बिंदु एक ही नाम है, या अनुनासिक बोलो या चंद्र बिंदु बोलो एक बात है। कथा विशिष्ट को ए योग्य वह कहा जाता है, किस किस को ए योग वह कहा जाता है, जैसे अंग अह चंद्रबिंदु वाला और अह, ये तीनों को क्या बोलते हैं एक योग्य वह, इसका मतलब क्या होता है योग्य, इसको ए योग वाच क्यों बोलते हैं, क्योंकि ने इसको स्वर में गिना जाता है, ने इसको व्यंजन में गिना जाता है, लेकिन स्वर के साथ में इसको लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम पड़ा ए योग वह। बोलते अनुनासिक, अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है नास होता है, अनुस्वार का उच्चारण नासिक किया जाता है, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, और विशद
उच्चारण है के समान होता है, ध्यान रखने का। स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। अगर अपन स्वर नहीं, स्वर का उच्चारण नहीं करेंगे तो उसमें नहीं, इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे अंग में ए स्वर है, इसमें स्वर, इसमें स्वर है, बिना स्वर से अगर स्वर नहीं लेंगे तो ए योगी वह कभी क्या नहीं कर सकते, हम उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना क्या लिखा है, स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है कि इनका कोने जैसे मतलब उच्चारण करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर स्वर नहीं है तो इनका भी उच्चारण हम भी कर नहीं पाएंगे। अब लिखा है एक नंबर पर अनुस्वार। अनुस्वार किसका कैसे होता है अनुस्वार, ये देखो ऐसे, ठीक है, ऊपर बिंदी के समान है, ऊपर कैसे समान है, ये बिंदी के समान है। अनुस्वार का प्रयोग नाक से किया जाता है। कैसे किया जाता है, नाक से किया जाता है अनुस्वार का उपयोग। में ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुस्वार का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बोलोगे नाक से किया जाता है। जैसे शंख, शंख बोलते समय हमारे नाक से हवा बाहर आ रही है, जैसे बंदर, बंदर, कंचन, 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 अब इसको कंचन भी बन सकता है, साफ लिखता हूँ कंचन, क्या है कंचन, मंजन, गंगा। अब एक छोटा सा ध्यान बेसिक नॉलेज है, ठीक है, अगर कैसे मेतक, कैसे लगता है मेतक, वो भी अगर उसमें क्या लगाना है, अनुस्वार लगाना है। अनुस्वार किसका लगता है, जैसे जैसे के, खे, घे, घे, ना ये पांच वर्ण होते, इसको क्या बोलते हैं, के वर, चे वर में क्या आता है, पांचों वर्ण आएंगे, चे, छे, जे, ज, य, टे वर में टे, ठे, डे, ड, ना इसको बोलते हैं टे वर, और जैसे टे वर, टे वर, लास्ट में मैं आता के फे फे वे में, ठीक है। अगर इसका कोई अनुस्वार बनता है, देखो अगर इनमें से कोई चार आते हैं तो अनुस्वार किसका बनेगा, इसका अनुस्वार। अगर इसमें आएंगे तो अनुस्वार किसका होगा, इसका। अगर चार में इसका अनुस्वार हो तो इसका अनुस्वार बनेगा। जिस प्रकार जैसे के का लास्ट में क्या नहीं आता, इसका अनुस्वार बनेगा। अब ये समझने के लिए ये दो उदाहरण आपको बताएंगे। जैसे जैसे कंचन, ठीक है, कंचन ये क्या अनुस्वार है, ये क्या छे आ रहा है, छे तो लास्ट में क्या, छे, छे, जे, ज, है, कौन सा पांचवा है, इसको ऐसे भी ले सकता हूँ के, ये अनुस्वार के स्थान पे क्या ले सकता हूँ मैं, ये फिर छे, ये ये भी सही है और ये भी सही है, अनुस्वार कर सकता हूँ, ऐसे भी सकता, ये भी सही है। जैसे गंगा, गंगा कौन सा है, के, थे, गे, गे, ने, अगर गंग, गंगा इसको अनुस्वार हटाना है तो के की लाइन कौन सा है, ये इसको अलग कर देना, गा, गंगा, ये भी सही है, ठीक है। जैसे मंजन, मंजन है, उसको दूसरे कैसे लिखते हैं, जे, जे नहीं है, जे, तो जे में क्या आएगा, ये जे, ये पांच वाले ऐसे जैसे तो मंजन, जैसे बंदर है, बंदर लिखना है तो बंदर, ये भी सही है, उसको लिखो, पे किसकी लाइन में आता है, पे की लाइन में आता है, पे, पे,
और मैं आता है पांचों कौन सा पांचवा वाला अनुस्वार विकल्प है तो बे और थे जिसमें आता है जिसमें भी जैसा तो थे वाला नहीं आएगा देखो थे थे दे द उनने ये पांच आता है जिसमें बंदर में देखो सही है स्कलास तो लोगों सा पांच है तो बन और तो ने पांच अब ने तो दे उनने ये भी सही है आया समझ में अगर अगर ये से लेकर हे तक वर्ण आता है तो उस पर हमेशा अनुस्वार लगेगा उसका पांचवा वर्ण क्या होता है जैसे य र ल व चार होता है स स स स ये भी चार होते हैं अस स त त्स त्स व ग्स यानी ये सभी चार चार होते हैं तो इनका अनुस्वार नहीं बनता है ऐसे नहीं बनता है पांचवा वर्ण नहीं आता इसका केवल अनुस्वार ही लिखेंगे तो क्या आया संबंध है स्वर की संख्या कितनी होती है 11 होती है व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33 होती है अनुस्वार किसको बोलते हैं जिसका उच्चारण हम नाक से किया जाता है अनुनासिक का उच्चारण कब कैसे किया जाता है नाक और गले दोनों से किया जाता है और स्वर के बिना और इसको चंद्र बिंदु को किस नाम से बोलते हैं अनुनासिक और इसको तीनों को किस नाम से बोलते हैं ए योगी वा ए योग वा का उच्चारण किससे किसके बिना असंभव है स्वर के बिना असंभव है अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है नाक से किया जाता है कैसे कैसे बोलते हैं इसके उदाहरण है जैसे संघ के बंदर है अंजन है गंगा है मंदन इसको आप एक बार देखो अब देखो बच्चों हमने अनुनासिक के बारे में बेसिक आपको बता दिया उसके बाद में देखो अनुनासिक का चिन्ह कैसे ऊपर चंद्र बिंदु के समान और अगर बिंदी आती है तो उसको अनुस्वार बोलेंगे अगर बिंदी को ऊपर चंद्र बिंदु के समान होगा उसका चिन्ह मात्रा तो उसे बोलेंगे अनुनासिक इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं चंद्र बिंदु क्यों बोलते हैं अनुनासिक को अनुनासिक चंद्र बिंदु अब सुनना है अनु का मतलब पीछे नासिक का मतलब क्या था नाक जो नाक से पीछे पीछे बोलते हैं नाक से पीछे नाक के पीछे कौन बोलता है मुंह मुंह बोलता है नाक के पीछे तो देखो इसकी आकृति कैसे होती है जैसे ये चांद आधा चांद के समान है इसकी इसकी चांद की आकृति समान होने के कारण अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं तो देखो अनुनासिक का चिन्ह कैसे चांद के समान इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से उच्चारण किया जाता है जब अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है तो केवल नाक से किया जाता है ध्यान रखना अब मैं पूछूंगा आपको सवाल अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है तो आप बोलोगे अनुस्वार में एक बिंदी के समान उसकी लिखा जाता है और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के समान लिखा जाता है अनुस्वार का उपयोग नाक से किया जाता है कैसे किया जाता है नाक से अगर नाक को ऊपर करने के बाद में इसका उच्चारण भी नहीं होगा और अनुनासिक का उपयोग नाक और मुंह दोनों से किया जाता है नाक और मुंह दोनों से किया जाता है जैसे जैसे मैंने बोला चांद आप उच्चारण करो चांद 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 इसको बंद करने पर चांद का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि इसका उच्चारण करते समय आपको नाक का भी प्रयोग करना पड़ेगा जिस प्रकार आंख लिखा है आंख बोलो आंख तो नाक दोनों से हवा आ रही है जैसे सांप आम चांद बहुत सारे ऐसे शब्द है जिसको आपको देखकर इसको और उच्चारण करते और आपको देखना है इसकी उच्चारण कहाँ से हो रहा है अब आ रहा है विसर्ग
रिसल्ट को क्या बोलते हैं, इसको अपन एह भी बोलते हैं, एह ठीक है, एह में भी आता है ध्यान में, और इसको बोलते से में से हे का स्वर आता है, किसका उच्चारण आता है हे का, ध्यान रखना। इसको विसर्ग को दो बिंदु के रूप में लगाया जाता है, विसर्ग को किससे लगाया जाता है, दो बिंदु समान समान वजी आकर के समझी समाज दोनों बराबर, तो विसर्ग को कैसे रूप में दर्शाया जाता है, दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हे ध्यान रखना, हे की तरह होता है। अब मैं से पूछता हूं आपको, किसका उच्चारण करते समय, किसका उच्चारण करते समय हमें हे की तरह होता है, तो आप बोलोगे विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमको हे की तरह इसका उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे प्राते अगुण प्राप ते, गुरु प्राते प्राते बोलेंगे तो अंतिम शब्द में हे की तरह उच्चारण होगा। उसी प्रकार जैसे अत्ते, अत्ते बोलो, अत्ते भी बोलने पर हे की तरह साउंड आ रहा है, छे छे बोलने पर हे की तरह उच्चारण हो रहा है, जैसे नमः उसका भी उच्चारण कैसे होता है, हे की तरह उच्चारण होता है। उसके बाद देखो अगर को क्या बोलना, अनुनासिक, अनुनासिक को क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक का उपयोग कैसे किया जाता है, अनुनासिक का उपयोग नाक और गले दोनों से किया जाता है, और इसको चांद की तरह देखा जाता है, इसलिए चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे चांद, आंख, सांप, बहुत सारे और भी शब्द है, ठीक है, ये छोटे शब्द हम बताए। जैसे विसर्ग, विसर्ग को किस रूप में लिखा जाता है, दो बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हमें किसकी तरह लिखा साउंड सुनाई देता है, हे की तरह, जैसे प्राते नमे अते छे, ठीक है, ये ध्यान से देखो। अब देखो बच्चों, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगत धमनिया एवं के चिन्ह। आगत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ आना चाहिए, आगत का मतलब क्या होता है, आगत का मतलब वे होता है जिस वे वर्ण जो हिंदी के नहीं है, वे वर्ण जो हिंदी के नहीं है, जो अन्य भाषाओं से, अन्य भाषाओं से हिंदी में आ गई है या हिंदी में आ चुके हैं, उसे आगत बोलते हैं। जैसे ओ, हमने आग पढ़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ा हिंदी में, ओ हमने स्वर में इसको नाम नहीं लिया, लेकिन ये ओ क्या है, इसको लिखने के लिए वर्ण के ऊपर बिना बिंदु के अर्ध चंद्र का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमें अनुनासिक पढ़ा तो अनुनासिक में अनुस्वार पढ़ा, तो अनुस्वार में तो बिंदी समान था, और अनुनासिक का जब हमने प्रयोग किया तो गोल करके ऊपर बिंदी लगे कि चांद के समान, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें लिखने के लिए वर्ण के ऊपर बिना बिंदु के, वर्ण तो बनाते बिंदु, बिना बिंदु के आधे चंद आधा चांद के समान तो आकृति बनाती, लेकिन ऊपर उसमें बिंदी नहीं आती है, ठीक है। इसका उपयोग नहीं, इसमें किस शब्द में इसका उपयोग किया जाता है, तो देखो जैसे डॉक्टर, अपन इंग्लिश में लिखते डॉक्टर इंग्लिश, ठीक है, अब इसको तो इंग्लिश में ऐसे उच्चारण कर दिया, अब इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो ये दो, इसमें क्या आ रहा है, ओ का स्वर आ रहा है, ये अंग्रेजी का स्वर है, कैसे अंग्रेजी का ओ, तो इसको हिंदी में प्रयोग करने लगे, जैसे डॉक्टर, अपन साधारण भाषा में आप
भाषा में इसका भी बहुत बार उपयोग करते हैं। अब इंग्लिश का वर्ड हम बार बार इंग्लिश में बोलते हैं, हर कोई बोलेगा डॉक्टर, तो ये इंग्लिश का वर्ड हमने हिंदी में बार बार इसका प्रयोग करें। जैसे चॉकलेट, अब बच्चे चॉकलेट बोलते हैं, चॉकलेट में ओ क्या है, स्वर है, कैसा है, अंग्रेजी का है, ठीक है। आदि बहुत सारे भी शब्द है, उसको भी आप मिले, मैंने आपको दो तीन उदाहरण द्वारा आपको समझाया गया। अब देखो के 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 गे जे फे व्यंजन, ठीक है, ठीक है। आपको देखो के खे गे जे फे ये पांच क्यों लिखा मैंने, वन जनरलाइज कर रहा हूं। अब देखो आपने कभी के तो पढ़ा, खे पढ़ा, गे पढ़ा, फिर जे जे फे क्यों लिखा मैंने, तो ध्यान रखना अब इसमें कुछ चेंज है। क्या चेंज है, के के आगे को आपने कभी बिंदी पढ़ी नहीं, पढ़ी खे के आगे पढ़ी नहीं, गे के आगे नहीं है, ग जे पे होते, ये पांच ऐसे होते हैं जिस पर आगे क्या लगता है, बिंदी लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। जैसे के खे गे जे फे व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, हम बिंदु लगाया जाता है, जिससे किस नाम से जानते, नुक्ता के नाम से जानते, किस नाम से जानते हैं, नुक्ता के नाम से जानते हैं। जैसे मजदूर, मजदूर बोलो के तो जे पर अपन क्या लगाएंगे, मजदूर, तो इस पर नुक्ता का प्रयोग हो विशेष जोड़ के लिए। जैसे सब्जी, सब्जी का उदाहरण सब बे पर क्या लगते हैं, इस पे सिर्फ जोड़ देते हैं, तो जहाँ जोड़ दिया जाता है वो हिंदी में पांच ही होते हैं सिर्फ वर्ण। जैसे गाजर, उसमें ये गाजर गलत है, अपन ये लिखते हैं ये गलत, इसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में अंग्रेजी, अंग्रेजी का उच्चारण करते समय जी पर क्या लगाते हैं, विशेष जोर कैसे लगाते, तो इन कितने होते हैं कुल, के ख ग ज ह ह क ख ग ज ख, ऐसे बोल दे इसको, ठीक है। ये कितनी काफी, ये कौन सी भाषा से आए हुए शब्द है, तो ध्यान रखना ये अरबी, फारसी भाषाओं से ग्रहण किए गए। ये आगत, ये नुक्ता किस भाषा के शब्द है, तो आप बोलोगे अरबी और फारसी भाषा शब्द। तो देखो हमने क्या बोला, आगत उनके दमने उनके चिन्ह पढ़ा, ओ किसका उजर होता है, ओ स्वर होते हैं, ये किसका स्वर है, अंग्रेजी का, लेकिन आजकल हम इसका स्वर का उपयोग हिंदी में भी किया जाता है, इसके ऊपर हमेशा बिंदी नहीं लगाई जाती, ये अद्य चंद के समान आकृति होती है। जैसे दो तर बोलते, चॉकलेट बोलते, और दूसरा है खे खे गे जे फे, ये क्या है, नुक्ता, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता, इसका उच्चारण करते समय नीचे क्या लगाई जाती है, वर्ण लिखते समय इनके नीचे बिंदी लगाई जाती है, बिंदी लगाने से इसका किसका प्रयोग होते है, नुक्ता का प्रयोग होता है, किसका होता है, नुक्ता का। तो ध्यान रखना जिस प्रकार मजदूर बोलते, सब्जी बोलते, गाजर बोलते, अंग्रेजी बोलते हैं, तो इस भाषा पर हम क्या बोलते हैं, विशेष जोर लगाते हैं, ठीक है। तो अब समझ आ गए, आज जो मैंने पढ़ा है उसके आपको जो नोट्स है और वो आपको अभी उपलब्ध करवा देंगे, उसको ध्यान से देखो, समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, अगर पसंद आता तो लाइक कर देना, ठीक। ये आपको ध्यान से अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग से उसको लिखना है और इसको बाद में पढ़ना है, याद करना है, जो भी मैंने जितना लिखवाया है वो सभी आपको याद होना चाहिए।